बड़ी खबर बिहार से, जहां पर कांग्रेस ने जारी की है प्रत्याशियों की सूची। कांग्रेस ने कुल 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। भागलपुर सीट से अजीत शर्मा को टिकट मिला। कटिहार से तारिक अनवर होंगे लोकसभा प्रत्याशी, तो वहीं किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट दिया गया है। बिहार में कांग्रेस ने 9 सीटों में 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। बिहार में कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट दिया गया है। तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी, बाकी सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते थे। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी रही जिसने बिहार में महागठबंधन का खाता खोला था और इस बार कांग्रेस बिहार में आरजेडी और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सीट बंटवारे के तहत बिहार में कांग्रेस को महागठबंधन में 9 सीटें दी गई हैं और अब उन्हीं सीटों को लेकर के 3 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है। भागलपुर सीट से अजीत शर्मा को जहां टिकट दिया गया है, तो वहीं कटिहार से तारिक अनवर होंगे लोकसभा प्रत्याशी। किशनगंज से मोहम्मद जावेद को दिया गया टिकट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए 3 सीटों को लेकर के कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया, आखिर अगर बात की जाए क्या कुछ यहां पर गणित लगाया गया है सीटों के ऐलान को लेकर के? और बिल्कुल देखिए, महागठबंधन में जिस तरीके से काफी दिनों से पेच फंसा हुआ था और ऐसे में बीते दिन जब तेजस्वी यादव दिल्ली में थे तो ये बातें सामने आई थी कि जो गठबंधन का स्वरूप होगा उसमें 9 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दी जाएंगी। अब कांग्रेस ने 9 सीटों में से 3 सीटों पर उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिए। देखिए, मोहम्मद जावेद की बात की जाए, किशनगंज से फिलहाल सांसद हैं कांग्रेस के, एकमात्र सांसद मोहम्मद जावेद को फिर से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है किशनगंज से ही। वहीं 2 नए चेहरे जो हैं इस बार सामने आए। हालांकि देखिए, अगर भागलपुर की बात की जाए तो अजीत शर्मा को टिकट दिया गया है। ये वही अजीत शर्मा है जो कांग्रेस के विधायक भी हैं और साथ ही साथ फिलहाल ये बातें सामने आ रही थी कि उनकी बेटी नेहा शर्मा जो कि अभिनेत्री हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन अंतिम समय में ये जो नाम है उसे बदल दिया गया। नेहा शर्मा के बदले अजीत शर्मा यानी कि उनके जो पिता हैं उन्हें टिकट दिया गया। अगर बात की जाए इसके अलावा कटिहार की, तो तारिक की जो नाम जो सामने आया है वो नाम सामने आ रहा है, यानी कि 3 नाम जो है वो फिलहाल सामने कर दिए गए हैं और माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में और जितने भी नाम हैं वो सामने आ जाएंगे। तारिक अनवर की बात की जाए तो पहले भी सांसद रहे हैं, लेकिन जब से कांग्रेस में आए हैं उनकी ये दूसरी बार है जब उन्हें टिकट दिया गया है। पहली बार हार का सामना करना पड़ा था और इस बार दूसरी बार फिर से कटिहार से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अगर 6 सीटों की बात की जाए तो आज ही अजय निषाद पार्टी में ज्वाइन किए हैं कांग्रेस में, मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, ऐसे में बीजेपी छोड़ कांग्रेस गए हैं, तो ये जरूर माना जा रहा है कि ये जो सीट है वो इस बार अजय निषाद को जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा अगर जहानाबाद की बात की जाए तो जहानाबाद से चिराग पासवान की पार्टी से नेता रहे यानी कि पूर्व सांसद अरुण कुमार को कांग्रेस टिकट दे सकती है। तो कई नए चेहरे जो है इस बार कांग्रेस में नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इस बार बिहार में कांग्रेस जो है 9 सीटों पर दावेदारी काफ़ी अहम बनाते जा रही है। और अगर तारिक अनवर की बात की जाए, अजीत शर्मा की बात की जाए, मोहम्मद जावेद की बात की जाए तो अपने जगहों पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं रसूख रखते हैं और काफ़ी पुराने और अनुभवी नेता जो है वो माने जाते हैं। ऐसे में उत्कर्ष, एक सवाल मेरा आपसे यही है कि देखिए मुकाबला कितना कड़ा हो जाएगा और कितना दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए तमाम गणित अपनाए जा रहे हैं कैंडिडेट को लेकर के। और बिल्कुल देखिए, बिहार में कैंडिडेट को लेकर तमाम गठबंधन जो है वो अलग अलग गणित जो है वो अपना रही है। एक बार जहां बीजेपी ने 3 तरीके से सर्वे कराने के बाद सभी को टिकट दिया, तो दूसरी तरफ जहां महागठबंधन में बिना सीट शेयरिंग के टिकट जो है वो बांटा गया, आरजेडी की तरफ से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दिया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में जो नाराजगी थी वो देखने को मिली और सबसे ज़्यादा नाराजगी पूर्णिया सीट को लेकर थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है अपने नए गणितों को अपना के कि पुराने उस लोगों को टिकट दिया जाए जिनका वर्चस्व जो है वो पिछले चुनाव में काफी अच्छा देखने को रहा, जिनका परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि सबसे अच्छा रहा। और ऐसे में मोहम्मद जावेद को जो टिकट है वो दे दिया गया है, अभी वर्तमान में सांसद भी हैं कांग्रेस के। इसके अलावा ये 2 चेहरे ऐसे हैं जो अपने जगहों पर काफी ज्यादा वर्चस्व रखते हैं, जीत कर भी आए हैं। अगर अजीत शर्मा की बात की जाए तो भागलपुर से वर्तमान में विधायक भी हैं, हालांकि सांसद की बात की जाए तो फिलहाल सांसद अभी नहीं है, लेकिन चुनाव जो है वो पिछले बार भी लड़े थे, अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने किया था और इस बार फिर से
पार्टी जो है उन्हें उम्मीदवार बनाई है। तो अब देखना होगा कि ये तीन सीटें जो अभी पहली लिस्ट जो जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से बिहार को लेकर, उसमें कितनी कह सकते हैं कि जो दिमाग लगाया है कांग्रेस ने, जो तमाम चीज़ें देखी है, किस हिसाब से इस बार जो टिकट है वो दिया गया है। लेकिन ये साफ है कि इस बार कांग्रेस जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और बीजेपी के समक्ष जो उम्मीदवारों को उतारा गया है वो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी नेता जो है वो माने जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए मुकाबला बेहद कड़ा।